क्या हाल है, कैसे हो? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग स्टूडेंट्स एल्डिहाइड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 22 केनिजारोस रिएक्शन से स्टडी करेंगे, उसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। और मुझे बिलीव है इसके बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस, किसी टाइप के क्वेश्चंस हो, तुम इमिडिएटली सॉल्व कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ये हेडिंग डालते हैं केनिजारो रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, ये जो केनिजारो रिएक्शन है किस टाइप के कंपाउंड में होता है, ये इसका मेन कंडीशंस क्या है? ये उस कंपाउंड में होंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या लिख रहा हूं, विदाउट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। सेकेंड कंडीशन ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड 50% और 60% या तो KOH होगा, NaH होगा, इस तरह से सब्सटेंसेस होंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। क्या लेंगे? ये हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ठीक है। चलो अब जो है ये रिएक्शंस, अब देखो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन सा कंपाउंड है, तो पहले उस चीज को देख लेते हैं हम लोग। देखो फॉर्मल्डिहाइड जो है HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या फिर ये कंपाउंड देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये रहा। या फिर एक और कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ CH3 CCH3 CH3 CHO, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे जो भी कंपाउंड होंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन मीन्स फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन पे आपको चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप के अगले कोई कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं, तो इसके पास, इसमें से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये केनिजारो रिएक्शन में जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखो केनिजारो रिएक्शंस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा होता है ये? डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होता है, ठीक है। पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं और फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट लॉजिक पे जाएंगे। देखो यदि हमने एक ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और एक और मोल्स लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन तभी होगा और हमने 50% NaOH ले लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें से एक एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा एल्डिहाइड क्या होगा, ये देखो एक कंपाउंड क्या बनेगा CH2OH, दूसरा बनेगा HCOONa, जो बाद में जाके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी आपने क्या देखा यहाँ पे, दो चीज कि CH2OH और HCUNA, मतलब इस पूरे कंपाउंड से, इस पूरे ग्रुप से जो कंपाउंड लिया है इसमें से एक फॉर्म वो आया है जो रिड्यूस्ड हुआ है और एक फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो इस कंपाउंड से ये जो फॉर्म है ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये फॉर्म इसी से, ये जो फॉर्म बना है ये क्या है, ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब ये प्योरली रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड, रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड, इसलिए से हम लोग डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब यदि यही लॉजिक है स्टूडेंट्स, तो अब आप ये देखो क्या इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डो, ये केनिजारोस में जाएगा। जरा देखो ये कंपाउंड में लिख रहा हूं ये CHO और यहाँ पे मैं OH लिखता हूँ। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये केनिजारोस में नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल लिखता हूँ CH3 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 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 CH3 CH3, स्टूडेंट ये भी नहीं जाएगा केनिजारोस में, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है स्टूडेंट्स जहाँ पे ये देखो ये भी नहीं जाएगा,
उसके अलावा जो पीएच सी पीएच पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच ये भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ, देख रहे हो कितने सारे कंपाउंड मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट फिर भी ये सारे किनारों में मूव नहीं करेगा। तो अब पॉइंट ये आता है कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस कंपाउंड के अंदर किनारोज होगा किस में नहीं होगा। अब इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्यों नहीं किनारोज मूव कर रहा है स्टूडेंट। अब ये सारी चीज हम लोग मैकेनिज्म से समझेंगे, ये तो मैकेनिज्म समझ में आ गया तो फिर तुम्हें अपने आप ये आंसर मालूम चल जाएगा कि इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये किनारोज में क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म वाले पार्ट। अब देखो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, और इस पूरे मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, चलो हमने कंपाउंड क्या लिया, हमने कंपाउंड ये लिया था, देखो हमने ये फॉर्मेलिटी लिया था। ठीक है, तो देखो होगा क्या स्टेप फर्स्ट स्टेप, रैपिड रिवर्सिबल एडिशन होगा। क्या होगा स्टेप फर्स्ट में जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रैपिड रिवर्सिबल एडिशन रिएक्शन होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ इसका ओ एच माइनस, याद रखना ओ एच माइनस एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ओ एच माइनस टू किस पे, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, चलेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, यदि हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और यहाँ पे ओ एच माइनस है, ये इस पे अटैक करेगा और आपके पास जो कंपाउंड होगा ये पूरे स्टेप रिवर्सिबल होंगे, तो एच सी ओ नेगेटिव एच और ओ एच। अब देखो यहाँ पे ये तो स्टेप फर्स्ट का है स्टूडेंट्स, अब चलो स्टेप सेकेंड देखो, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सेकेंड स्टेप। देखो होगा क्या कि जो एच है सी है ओ नेगेटिव, यहाँ पे ओ एच है एच है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने एक और मोल्स लिया क्योंकि हमने टू मोल्स लिया था, ये देखो हमने एक टू मोल्स लिया था, एक मोल्स लेके हमने बना दिया, अब सेकेंड मोल्स लेते हैं हम लोग। तो जब सेकेंड मोल्स लेंगे यहाँ पे तो देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, क्या है, जो ओ एच तुमने अटैच किया था ये रिवर्सेबल है, तो तुम हमसे पूछ सकते हो कि सर ये ओ एच यदि रिवर्सेबल है तो ये ओ एच निकल क्यों नहीं गया, मतलब बैकवर्ड क्यों नहीं चला गया, क्योंकि रिवर्सेबल है। तो स्ट्रेंथ याद रखना ओ एच एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ओ एच एक अटैक करके बना दिया, तो अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड बन के, हाइड्राइड मीन्स एच नेगेटिव बन के सेकेंड मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सेकेंड मॉलिक्यूल्स इसके पास आ गया इसलिए हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड बन के अटैक करेगा। तो हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, एच नेगेटिव बन के। अब जब ये एच नेगेटिव बन के इस पे अटैक करेगा तो एच नेगेटिव जो हाइड्राइड अटैक कर रहा है स्टूडेंट्स, मैं इसे अनयूजुअल वे बोलता हूँ, क्या बोलूंगा इसको, अनयूजुअल वे। अनयूजुअल वे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एच नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है एच नेगेटिव, लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आ गया और ये एक स्ट्रॉन्ग एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये एच जो है हाइड्राइड बन के इस पे अटैक करती है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या कि एच नेगेटिव जो निकलेगा वो इस रिएक्शन सेंटर को लीव नहीं कर रहा है, वो जस्ट ट्रांसफर हो रहा है इस मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, समझ में आ गई बात, कि ये आप इसे ये मत समझो कि एच एज ए एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल रहा है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आ गया इसीलिए ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होके इस पे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ, जैसे ये ट्रांसफर होगा इस पे तो ये बैक आ जाएगा इस पे, यानी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन जाएगा प्लस, अब जैसे ये हाइड्रोजन इस पे ट्रांसफर होके इस पे आएगा ये यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो एच सी ओ नेगेटिव एच और एच बन गया, और याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एच नेगेटिव बन के अटैक किया है। ठीक है, तो जब नेगेटिव बन के जाएगा तो ये सेंटर पॉजिटिव होगा और ये बैक हो जाएगा और ये बन जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे एक बात तुमने ऑब्जर्व किया क्या, अब मैं बता रहा हूँ क्या चीज बोल रहा हूँ, देखो मेरा ये बोलना है कि इसका केमिकल काइनेटिक्स कहता क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है,
देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेप होता है स्टूडेंट, जहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है सेकेंड मॉलिक्यूल्स पे, यही स्टेप इसका आरडीएस, सेकेंड स्टेप ही क्या आता है, आरडीएस स्टेप होता है, ठीक है। अब देखो इस स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे ओएच अटैच है, ये सारा चीज अटैच है इसमें, और ये भी अटैच है। यानी केमिकल काइनेटिक्स कहता है इस रिएक्शन का रेट जो होगा इस मॉलिक्यूल्स पे और इस पे डिपेंड करेगा। और याद रखना आरडीएस स्टेप कौन सा होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप ही आरडीएस स्टेप होता है, डन। तो ये काफी बार क्वेश्चन आया है कि कहने जा रहा है उसके कौन सा स्टेप आरडीएस स्टेप होता है, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से याद रख लो। अब देखो इसमें, तो यदि मैं इसका रेट लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो क्या लिखूंगा, देखो HCHO कितने मोल्स हमने लिया है, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स, और 1 मोल्स OH माइनस लिया है, 1 मोल्स OH, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में, एक जो स्टेप हमने लिख लिया है इसमें, ये क्या है, ये अपन एसिड है, और ये क्या है, ये आपका बेस है, ठीक है, मिथॉक्साइड आयंस है ना, ये हो गया मिथॉक्साइड आयंस, करेक्ट है। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अब यहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा कि नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस पे। अब ये क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव प्लस एच सी ओ एच एच और एच, मतलब क्या हो गया, ये हो गया CH3, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, CH3OH बोल देंगे, हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात हमने। और ये जो यहाँ जो सोडियम लेंगे Na, ये इस पे अटैक करके ये बना देगा सोडियम, मालूम है ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था हमने, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम तो है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एन ए बन जाएगा, ठीक है, और एक कंपाउंड लिया जाएगा। तो हमने जो यहाँ पे लिया था, जो ये कंपाउंड, इसको CH3OH कर, CH3OH, ठीक है, ये CH3OH है। तो मिथेनॉल, ये जो है ये अपन क्या है, मिथेनॉल बन गया, ठीक है। चलो तो ये आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि ये होता क्या है और कैसे बनता है। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स, इस पूरे मैकेनिज्म से एक बात तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या, कि यदि मैं अब मैं उस क्वेश्चन पे चलता हूँ, उस जो मैंने दिया था कि देखो ये कंपाउंड या ये कंपाउंड या ये कंपाउंड क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जा रहा उसमें, अब जब तुम मैकेनिज्म समझ में आ गया तो 100% ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ है, मैं एक लेता हूँ, एक ले दो, बाकी तुम समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हमने कंपाउंड लिया है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे क्या लिया है ओ एच, अब तुम जानते हो कि ये ग्रुप क्या होता है, ये इसको डोनेट करेगा, सी एच ओ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इनसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल के, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो अब ये ग्रुप इसको इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी एडिशंस पावर ही खत्म हो जाएंगे, बहुत ही कम, यानी ये हाइड्रोजन ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, तो जब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने से केनिजारो रिएक्शंस फास्ट होगा। बट ये भी नहीं है स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड के पास देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब यहाँ पे केनिजारोस नहीं होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होएगा तो फास्ट ही होगा। हाँ, इससे तुम्हें क्रॉस केनिजारो की क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो जितना रिएक्टिव होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो अब इस कंपाउंड के साथ भी वही चीज होगा, क्या सीन है कि यदि ये कंपाउंड में Cl है, CCl और Cl, और यदि यहाँ पे अटैक किया देखो O नेगेटिव H और OH, और यदि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे के निकल गया, तो अब तुम बताओ इस कंपाउंड की स्टेबलाइजेशन पावर बढ़ गई ना, ये बढ़ गई ना, ये स्टेबल हो जाएगा ना, ठीक है ना। उसी तरह से एक कंपाउंड ये भी है, यदि ये कंपाउंड है और Cl है और Cl है C डबल बॉन्ड OH है, यदि इस पे OH माइनस अटैक किया, तो अटैक करने पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl Cl, और यदि दिया तो यहाँ पे C वो नेगेटिव H OH बन जाएगा, अब ये फिर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, Cl Cl नेगेटिव। तो क्या देख रहे हो, ये इसके एनायन से स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि
इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप, ये सब डिपेंड करता है उसके मैकेनिज्म प्रोसेस पे। जाओ उससे समझो कि आखिर कैसे रिएक्शंस किन जगहों में जाएगा या नहीं जाएगा। बट इस तरह के रिएक्शंस समझ में आ गई। एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ, अब इसका आंसर तुम खुद सोच के रखो क्या होगा, क्या ये किनिजारोस में जाएगा। पीएच है, पीएच है और पीएच है, सी डबल बॉन्ड टू एच। अब ये देखो ये भी नहीं जाएगा किनिजारोस में, क्योंकि जब सोचो ना यहाँ नेगेटिव आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के जो भी कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट वो किनिजारोस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये 2009 में आया था जेई में, ठीक है। ये जेई 2009 में आया है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है। अब ये देखो जेई में जो आया है वो है कि 2 मोल्स ऑफ पी एच सी एच ओ कंपाउंड, ठीक है। अब इसको ओ एच माइनस से किया है, कॉन्क ओ एच माइनस से, तो इसमें बना है पी एच सी एच टू ओ एच और प्लस पी एच सी ओ ओ नेगेटिव। तो क्वेश्चंस क्या पूछा है कि इसमें से उसे तुम बता दोगे, क्योंकि अभी हम इसको मैं बोल चुका हूँ, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। ये पूछा है, मैं इसका ऑप्शन लिखता हूँ। द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयंस, हाइड्राइड टू द कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। सेकेंड में ऑप्शन लिखता हूँ दी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन फ्रॉम फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पे, ये है द प्रोटोनेशन ऑफ डी प्रोटोनेशन ऑफ पी एच सी एच टू ओ एच, और फोर्थ में लिख रहा हूं दी अटैक ऑफ ओ एच माइनस एट दी कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अभी मैंने पढ़ाया है, क्या सोचो। ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक और चीज मुझे बताना था, मैं उसका बता देता हूँ। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ, इसमें से कौन सा फास्टर जाएगा किनिजारोस रिएक्शन के अंदर। अब मैं लिख रहा हूँ ये कंपाउंड है सी एच ओ, ठीक है, यहाँ पे एनओ टू लिखता हूँ, और ये है सी एच ओ। थर्ड है ये कंपाउंड है सी एच ओ और सी एच थ्री, और फोर्थ कंपाउंड है ये। आप जरा सोचो और बताओ इसमें से कौन सा किनिजारोस में फास्टर जाए। मैं इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ लिखता हूँ। देखो स्टूडेंट अभी मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फास्टर जाएगा, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएक्शन फास्टर हो जाएगी फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, फिर ये ज्यादा डोनेटिंग है इससे कंपेरिजन में, ओ सी एच थ्री ग्रुप है ये, तो फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ठीक है। आई होप तुम्हें सारे लॉजिक समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, जरूर सेंड करना, मैं मेल आईडी मेंशन करता हूँ हर लेक्चर के बाद, तो उस पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो जरूर सेंड करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।